डाइजेशन बताएं, डाइजेशन की टाइप्स बताएं, एजिमिनेशन और लास्ट पॉइंट हमारे पास इजेक्शन, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बॉडी से खारिज हो जाए। अब जो सेकंड हमारे पास पोर्शन है वो डाइजेशन इन मैन है। ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होती है इस बात को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन की डाइजेस्टिव स्ट्रेटजीज बड़ी कॉम्प्लेक्स है, दूसरे एनिमल की निस्बत हमारे अंदर डाइजेशन कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम मौजूद है। आपके पास डाइजेशन करने के लिए सबसे पहला पोर्शन स्टार्ट होता है माउथ से। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पहला ही माउथ से एनस तक खुला है, माउथ से स्टार्ट होता है, बल्कि मैंने लिखा भी हुआ है, सबसे पहले लॉन्ग कॉइल ट्यूब आ जाती है जो माउथ से लेकर एनस तक जाती है। फिर अगर हम देखें हमारे पास ऑरल कैविटी आ जाती है जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, जो माउथ का रीजन है, यहाँ पर भी मैंने बनाया हुआ है, इसको आप ऑरल कैविटी कहते हैं, जो माउथ वाला रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑरल कैविटी। उसके बाद हमारे पास एसोफेगस आ गई। एसोफेगस बेसिकली व्राक की नाली है, ये हमारे पास कहाँ से बकायदा तौर पर एसोफेगस का ही पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स फूड और एयर के लिए कॉमन होती है। एसोफेगस खुराक की नाली ओवरऑल जा रही है जो जिसमें एक फेरिंग्स भी आ जाती है। फेरिंग्स हमारे पास फूड और एयर दोनों की ओपनिंग होती है। फिर स्टमिक आ गया। स्टमिक एक किस्म की डाइजेस्टिव सैक है, एक किस्म की थैली है जिसने डाइजेशन में रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं, डीडीनम है, जेजिनम है और ईलियम, इनकी डिटेल इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास लास्ट पर आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं कौन कौन से, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम, ये भी आपके सिलेबस में आगे आ जाएगा। फिर इसके अंदर सिक्का आ जाएगी जो कि एक ब्लाइंड एंडिंग पाउच होती है, उसको भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर रेक्टम आ गई। रेक्टम फॉर द सेक ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, जो काम की चीजों को रीअब्सॉर्ब करवाना है वो रेक्टम में करवाना है। अब हम जाते हैं इसकी लेबलिंग की तरफ। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन हमारी इंटेस्टाइन की डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहले आप देखिए ये लिवर पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे पास गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, फिर हमारे पास पैंक्रियास जो कि एक किस्म का ग्लैंड है आपको सेक्रीशन देता है, एंडोक्राइन भी दे रहा है, एक्सोक्राइन भी, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, डिफरेंट टाइप के आपको सेक्रीशन देता है। फिर ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, ये जो डार्क ब्लैक में आपको नजर आ रहा है। लास्ट वाला पोर्शन ये वाला आपके पास रेक्टम आ गया। रेक्टम काम की चीजों को रीअब्सॉर्ब करता है। उसके बाद लास्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है एनएस। एनएस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से सेक्रीट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सेकंड डायग्राम में चले जाए, स्वेलिंग एक्शन हमारा वॉलंटरी होता है, फर्स्ट एक्शन फूड का इंटेक करना, इंजेक्शन करना, वॉलंटरी आपकी मर्जी से होता है। फूड की स्वेलिंग को भी शो करवाया गया है। सबसे पहले देखिए फेरिंग जो फूड और एयर के लिए कॉमन होती है, उसके बाद बॉलस, जब फूड रोटी का लकवा में खा रहा उसके अंदर सलाइवा ऐड हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू बॉलस, सेमी सॉलिड मैस ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉलस। फिर यहाँ पर जो नेक वाला रीजन होता है वहां पर यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर लीड मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस पेरेंट्स को कंट्रोल करता है, फूड और एयर के पैसेजवे को कंट्रोल करता है। फिर नीचे उसके ग्लॉटस है, फिर साथ लेरिंग्स पड़ी हुई है। लेरिंग्स इज वॉइस बॉक्स जो आवाज पैदा करने में मदद करता है। फिर यहाँ पर एसोफेजियल स्फिंक्टर मौजूद है। स्फिंक्टर एक काइंड के मसल्स होते हैं, एक काइंड के वॉल के तौर पर भी एक्ट करते हैं। वो आगे सारी डिस्क्रिप्शन आएगी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया एयर पैसेजवे आ गया, इसी तरह एसोफेगस आ गई। फिर नेक्स्ट हम इस पोर्शन को डिटेल में आपको बताऊंगा जब इस पोर्शन की डिस्कशन होगी। हाँ जी, अब जो हमारे पास बाकायदा तौर पर हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेशन में, उसका पार्ट था कि कुछ ग्लैंड्स भी डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। ग्लैंड्स का काम सेक्रीशन देना होता है, ग्लैंड एंजाइमेटिक सेक्रीशन भी देते होते हैं और उसके अलावा हार्मोनल सेक्रीशन भी देते हैं। इनकी सेक्रीशंस को देखते हैं, सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड भी मौजूद है, लीवर भी ग्लैंड के तौर पर एक्ट करते हैं, अपनी सेक्रीशन देते हैं और पैंक्रियास भी एक ग्लैंड है। मैं इसे बता चुका हूँ, पैंक्रियास वो ग्लैंड है जो एंडोक्राइन नेचर का भी है और एक्सोक्राइन नेचर का भी है, यानी
और लूम भी देता है और एंजाइमेटिक सीक्रेशन भी देता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास साइट्स कौन-कौन से डाइजेशन, जिन जगहों पर डाइजेशन हो रही है वो जगह कौन-कौन सी है। सबसे पहले ओरल कैविटी, माउथ वाला रीजन, स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन साइट है ये डाइजेशन। स्टार्ट करते हैं पहली साइट से। पहली साइट है आपके पास ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में डाइजेशन, उसके भी फर्दर पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है सिलेक्शन ऑफ फूड। आपको भी पता है फूड को सिलेक्ट करने के भी कुछ वेज होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आप फूड को दूर से फूड को देखते हैं, उसका कलर आपको अट्रैक्ट करता है, फिर जाकर आप उसको स्मेल करते हैं, स्मेल अच्छी है फूड इज चूजन, फिर आप उसको टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट अच्छा है तो भी फूड को चूज कर लिया जाता है, अदरवाइज फूड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस आवाज हुआ है वो आपके पास एक्शन वॉलंटरी है, आपकी मर्जी से। जैसे कि फूड की सबसे पहले आप टेस्ट देखते हैं, स्मेल देखते हैं, फिर उसको फेल्ट करते हैं, उसको फील करते हैं। अगर तो टेस्ट अच्छा है, स्मेल अच्छी है, फूड इज चूजन। अगर अनप्लीजेंट है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, द फूड इज रिजेक्टेड, आप माउथ से उसे निकाल कर फेंक देते हैं, यानी आपके हैंड में, आपके इख्तियार में, ये वॉलंटरी एक्शन। अगर फूड के फूड रिजेक्ट कब होती है, अगर उसके अंदर बॉन है या डर्ट है या कोई भी उसका स्मेल अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इन चीजों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम आ जाए, द फूड इज रिजेक्टेड, अदरवाइज फूड इज सेलेक्टेड। यानी फर्स्ट स्टेप ओरल कैविटी का है। ओरल कैविटी में जो भी एक्शन वाला वॉलंटरी आपकी मर्जी से हो रहा है, फूड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ओरल कैविटी से पीछे फूड चलेगी, बतू कैविटी में चलेगी फूड, उससे नीचे चलेगी, तब आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते जब तक माउथ में फूड पर आपका इख्तियार है। फिर टंग के बारे में बता रहा था, टंग जुबान को कहते हैं, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर टेस्ट बड्स होते हैं। इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, गस्टेटरी बड्स, इन्हें गस्टेटरी बड्स भी कहते हैं, टेस्ट बड्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाकायदा तौर पर टेस्ट का बता रखा है, फूड का टेस्ट कौन सा है। इनकी जुबान के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है, कुछ आपके लिए सॉल्ट टेस्ट के लिए, कुछ बिटर के लिए, कुछ सॉल्टी के लिए है, कुछ शुगरी के लिए है, यानी ये टेस्ट बट आपकी जुबान के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आ गया ग्रिंडिंग या मस्टिकेशन, कि जो फूड आपको मिल गई है उस फूड को आपने स्मॉल पीसेस में चेंज कैसे करना है, उस फूड को आपने ग्राइंड कैसे करना है। सबसे पहले फूड को स्मॉल पीसेस में ग्राइंड क्यों किया जाता है इसको डिस्कस करते हैं। इसलिए चेंज किया जाता है, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए जो आपकी फूड की किनाल है, जो एलिमेंट्री किनाल है, वो स्मॉल पीसेस को गुजरने को अलाउ करती है, लार्ज पीसेस उसमें से पास नहीं हो सकते। दैट्स मीन जो आपकी एलिमेंट्री किनाल है वो कोई बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होती कि बड़े बड़े पीसेस को वहां से पास होने देते, इसलिए हमने डीप फिनल से फूड को मस्टिकेट करना है, स्मॉल पीसेस में चेंज करना है। दूसरा स्मॉल पीसेस का ये फायदा होगा कि फूड के जितने छोटे पीसेस बनाएंगे एंजाइम को काम करने की जगह ज्यादा मिल जाएगी, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, जिससे फूड क्या हो जाएगी डाइजेशन में आसानी होगी। एसो मैंने लिखा भी हुआ है, एसोफेगस अलाउ स्मॉल पीसेस टू पास, स्मॉल पीसेस को गुजरना अलाउ करती है। दूसरे नंबर पर स्मॉल पीसेस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से फूड पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो सकती है। फिर हम देखें लुब्रिकेशन या डाइजेशन। लुब्रिकेट का मतलब होता है फूड के अंदर सलाइले का एड, फूड का मॉइस्चर हो जाना, फूड का नरम हो जाना, ताकि एलिमेंट्री किनाल में से फूड आसानी से पास हो सके। इस पर्पस के लिए सबसे पहले सलाइवा है, सलाइवा को खारिज करने के लिए आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी जुबान के ऊपर, जुबान के नीचे मौजूद है, ईयर के फ्रंट है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, नेल बीम के डिफरेंट है। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड को देखते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड है, इस प्रेजेंट बिलो द टंग, ये हमारी जुबान के नीचे मौजूद होता है जो सलाइवा को पैदा करता है। फिर नेक्स्ट सब मैक्सिलरी बिहाइंड जॉ, जबड़ों के साथ मौजूद है। फिर थर्ड नंबर पर कैरोटिड ग्लैंड है, ईयर्स फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, यानी अंदर वाली साइड पर कानों के सामने मौजूद है। तीन ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा खारिज करते हैं, सबलिंगुअल, मैक्सिलरी और तीसरे नंबर पर सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और कैरोटिड ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड्स हैं। सलाइवा किस चीज से मिलता है? सलाइवा के अंदर सबसे पहले तो वाटर और म्यूकस है, आपको पता है पानी फूड को सॉफ्ट करता है,
म्यूकस भी एक स्टिकी सब्सटेंस है जो फूड को सॉल्ट मॉइस्चर करने में हेल्प करता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे सॉल्ट्स। सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा एंटीसेप्टिक होता है, फूड की पीएच को चेंज करता है, फूड के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल आउट करता है, जंक को क्लियर करता है। अमाइलेज और प्रोटाइलिन ये बाकायदे तौर पर एंजाइम होते हैं, और एक बात ध्यान में रखें, जब भी आपने एंजाइम का नेम लिखना है साथ लैब का नाम लास्ट में लिखना है। मैं स्लाइडरी अमाइलेज दो तरह का है, पैनक्रियास भी खारिज कर रहा है, सलाइवा भी खारिज कर रहा है। सलाइवा के एंजाइम को आप स्लाइडरी अमाइलेज कहेंगे, पैनक्रियास के एंजाइम को आप पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहेंगे। अब हम स्लाइडरी अमाइलेज को डिस्कस कर रहे हैं। अमाइलेज और प्रोटाइलिन ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इससे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, इसमें स्टार्च को और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करना होता है, और इसमें चेंज करना होता है माल्टोज शुगर के अंदर चेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट वाटर और म्यूकस, ये फूड को सॉफ्ट करते हैं, फूड के मैस को नरम करते हैं, ताकि जो खुराक है वो हमारे खुराक की नाली में से आसानी से पास आ सके। नेक्स्ट जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एंटीसेप्टिक है, इसकी पीएच, इसका काम फूड की पीएच को स्टेबलाइज करना है। इसकी पीएच थोड़ी सी, जो फ्रेश सलाइवा होता है उसकी पीएच थोड़ी सी अल्कली होती है, 8 होती है। जैसे आप खुराक करते हैं सलाइवा कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करता है, वो पीएच को चेंज कर देता है, पीएच उसकी एसिडिक हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। पहले पीएच 8 थी, दोबारा पीएच कितनी होगी? 6 होगी। फिर मैंने लिखा हुआ लास्ट पर टैलिन, जैसे आप स्लाइडरी अमाइलेज भी कहते हैं, ये लिखा हुआ। इसका काम स्टार्च को तोड़ना है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़कर इसमें चेंज करना है माल्टोज शुगर के अंदर चेंज करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हमने बिफोर सेलिंग एक्शन, उससे पहले पहले पढ़ा फूड की सिलेक्शन कैसे होती है, फूड की ग्राइंडिंग मास्टिकेशन कैसे होती है, फूड की लुब्रिकेशन या डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, ये भी आपको पता चाहिए कि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई, अब स्टमक का काम पड़ा हुआ है, आपकी इंटेस्टाइन्स का काम पड़ा हुआ है, अभी जस्ट सलाइवा ने फूड को सेमी डाइजेशन करना, ये भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, सलाइवा ने जस्ट ये काम किया है कि फूड के अंदर मौजूद स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में चेंज किया है, अभी सेमी सॉलिड मैस ऑफ फूड बन रहा है। ये था आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।